हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ श्वेता सिंह। आप सब कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज मैं सुबह के टाइम पे फ्री हो चुकी हूँ, तो मैं सुबह का सारा काम कंप्लीट कर ली हूँ और अभी मैं बनाने वाली हूँ कुछ अलग सी रेसिपी। हालांकि सब्जी तो सिंपल रहेगी, आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी और साथ में मैं मक्के के आटे की पूरी बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं और बनाना स्टार्ट। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने रेडी करके रख लिया है ये आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए। और सिंपल सी सब्जी है जैसा कि सभी बनाते हैं। तो गैस पे मैंने कुकर रखा है, उसमें तेल डाला, तेल गर्म हुआ तो जीरा थोड़ा सा डाला है और हींग, और साथ में मैंने कटी हुई प्याज इसमें डाल दी हूँ। प्याज को अच्छे से थोड़ा भून लेना है, उसके बाद हम इसमें आलू गोभी ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, अभी ना हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बगल की बिल्डिंग में, तो उसकी वजह से ना बहुत आवाज़ आ रही है, तो वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और थोड़ा आप लोग इन सब आवाज़ को इग्नोर करिएगा, अभी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें आलू गोभी डाल दिया है, उसके बाद इसे भून लेना है। तो ये जो गोभी है ना, इसकी खासियत सबसे बड़ी ये मैं बता रही हूँ कि ये मेरे गांव से आई है और अपने ही खेत की है गोभी। तो इसके लिए मैं स्पेशली ये सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ली हूँ, इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। तो बस इसीलिए मैं ये स्पेशली बना रही थी, क्योंकि गांव से जब कुछ आता है ना तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो थोड़ी देर मैंने इसे भून लिया है, अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी। बेसिक से मसाले हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, बस यही चीज़ें जैसा कि हम लोग नॉर्मली सब्जी में डालते हैं, तो बस वही डालेंगे और बस बनाना है। लेकिन ये बात तो है कि अगर ना यहाँ पे जो गोभी मिलती है उसकी सब्ज़ी और ये जो गांव से गोभी आई थी ना, दोनों के स्वाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो ये भैया भाभी आए थे गांव से, तो वो लेके आए थे, तो भाभी ने भेजा था, तो मैंने ये बनाया है। और जो मैं मक्के के आटे की पूरी बनाऊँगी ना, वो भी आटा हमारे गाँव से ही आया था, तो वो पूरी मतलब वो जो आटा है गांव का है, तो उससे मैं पूरी बनाऊंगी, रोटी भी बनाऊंगी जब मक्के की, तो वो भी शेयर करूंगी आप सबके साथ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट बना ली हूँ, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब डाल के पेस्ट इसमें डाल के भून लेंगे और इसे थोड़ी देर तक अच्छे से ऐसे ही चलाते हुए भूनेंगे। उसके बाद इसमें पानी और नमक ऐड कर देंगे। हालाँकि ये तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैंने सोचा भाई जो कर रही हूँ वो आप सबके साथ शेयर कर दो। तो ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, हमारे यूपी में ऐसे ही बनता है, चाहे आप कुकर में बनाओ चाहे कढ़ाई में बनाओ। तो कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं कुकर में ही बना रही हूँ। तो इसे मैं ऐसे ही लगातार चलाते हुए भूनूंगी, तो थोड़ी देर में ही आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो ये जो सब्जी बन रही थी ना, इस टाइम पे मसाला भून रही हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो काफ़ी मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मैंने सबको टेस्ट भी कराया था, तो सबको अच्छा भी लगा। तो यहाँ पे ना ये मसाला मेरा काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं ना थोड़ी देर के लिए इसे मैं ऐसे धीमी आँच पर ढक दूँगी ताकि ये और भी अच्छे से भुन जाए, और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और ये देखिए मसाला ना बिल्कुल तले में लग नहीं रहा है। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जिस जार में मैंने ना इसका पेस्ट बनाया था उसी में मैंने पानी लिया है और वही डाल रही हूँ, ताकि उसमें जो थोड़े बहुत मसाले लगे होंगे ना वो भी वेस्ट ना हो। और पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, यहाँ पे मैं सेंधा नमक, हालांकि मैं अपने रोज़ के खाने में सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, तो वही डालती हूँ। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसका ढक्कन लगा देंगे, एक से दो प्रेशर आएगा, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। जब तक इसमें प्रेशर आ रहा है तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप लिया है मक्के का आटा और उतनी ही क्वान्टिटी में लिया है गेहूँ का आटा। थोड़ा सा उसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे जीरा,
और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे ना हमें एकदम गर्म पानी से गूंथना है। तो यहाँ पे अभी तो मैं मिक्स कर रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ना। उसके बाद मैंने पानी गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। जब पानी काफ़ी अच्छा गर्म हो जाएगा ना तो वही पानी इसमें डाल के और गूंथेंगे। तो उससे क्या होता है ना, मक्के के आटे से आप रोटी या पूरी जो भी बनाएंगे वो काफ़ी अच्छे से बनेगा, फटेगा नहीं। तो यहाँ पे ना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, एकदम गर्म पानी है, मैं कलछुल से ही डाल रही हूँ। तो बस उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसे हाथ से मिलाएंगे, आप चाहें तो किसी चम्मच से मिला सकते हैं, और ऐसे ही इसे मसल मसल के अच्छे से गूँथ लेना है। अगर आपको ना जैसे करारी पूरियाँ पसंद होगी ना जो क्रिस्पी होती हैं, तो ये पूरी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही करारी बनी थी। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छे से मसल के गूँथ लेना है। और ये आप देख सकते हैं, ये आटा हमारा काफ़ी अच्छे से पूरा गूँथ चुका है। तो अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर साइड में और 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद ना फटाफट से पूरियां बनाएंगे। तो सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा तेल लगाया मैंने, उसके बाद इसे अच्छे से मसल लिया और फिर थोड़ा सा ना बेलन पे और चकले पे ऑयल लगाया और मैं फटाफट इसे बेल ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे ना कढ़ाई में तेल भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म हो गया, उसके बाद हमने पूरियाँ तलना शुरू कर दी। तो ये ना काफ़ी अच्छे से फूली भी थी और बहुत ही क्रिस्पी थी। तो इसे आप ना कचौरी के जैसा भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं ना सब कुछ मिक्स करके गूँथ के फिर उसकी कचौरी, तो उस तरीके से भी ना बहुत टेस्टी बनेगी। हालांकि ये पूरी बहुत पसंद आई थी, सबको बहुत पसंद आई थी। तो बस इसी तरह से ना मैंने इसे बनाया और फूली भी अच्छी थी और खाने में भी बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही अच्छी पूरी थी। तो इसी तरह से हम फटाफट और भी पूरियों को तल लेंगे। और इसके साथ ना मैं मतलब आप चाहें तो प्याज वगैरह आटा गूँथते समय डाल के कर सकते हैं। और ना मुझे एक आइडिया आया इसे खाते समय कि अगर हम इससे पानी पूरी बनाएंगे ना तो वो भी शायद बहुत ही करारे और क्रिस्पी बनेंगे, ट्राई करूँगी कभी। तो यहाँ पे पूरी तल दी है मैंने और ये देखिए सब्जी भी हमारी बन चुकी है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी हरी धनिया। धनिया डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और ये सब्जी बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, गांव की जो सब्ज़ी होती है उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। तो बस ये गरम गरम सब्जी और पूरी रेडी है नाश्ता करने के लिए। तो आप सब भी आइए। और यहाँ पे ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से प्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि ना इसकी रेसिपी भी मैं मेरे चैनल पर डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने प्लेटिंग कर ली, तो मैंने सोचा एक क्लिप भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे पूरी और सब्जी रेडी है, साथ में ना मैंने थोड़ा सा प्याज काट के रखा है, अगर जिसको पसंद हो इसके साथ तो खा सकता है। तो उसके बाद ना बच्चों को भी नाश्ता दे दी थी, सबने नाश्ता कर लिया था और अब मैं भी आऊँगी नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ पर ना हॉल में अभी टीवी चल रही थी, तो शौर्य की जो क्लास होती है वो पूरी हो चुकी थी। तो उसके बाद अब बैठेंगे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे मैं नाश्ता लेके आई और उसके बाद ना मैंने साथ में थोड़ा सा चीज़ टोस्ट भी बनाया था, पूरी सब्जी भी थी, तो जो मतलब मन करेगा वो खाएगा। तो शौर्य को पूरी वगैरह ऑयली चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा कम पसंद करता है, तो मैंने बोला ठीक है दोनों ऑप्शन है, जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने चीज़ टोस्ट भी बनाया है। तो अभी तो मैं तो पहले अपनी फेवरेट चीज़ खाऊंगी, पूरी और सब्जी। तो बस ये था अभी सुबह का नाश्ता हमारा। उसके बाद नाश्ता इतना हैवी था ना कि सबने बोला था कि इसके बाद लंच में कुछ नहीं खाना है, शाम के टाइम स्नैक्स में ही जिसको जो खाना होगा वो खाएगा और चाय के साथ में। तो बस यही था आज का हमारा लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट और लंच, ब्रंच भी बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी हैवी हो गया था। तो बस ऐसे ही, और शौर्य को ना अभी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बोल रहा था उसको वोमिटिंग के जैसा आ रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सा उसको कोक दे दूँगी। हालांकि ये कभी कभी बहाना भी होता है उसका जब कोक पीने का मन होता है, तो
और यहाँ पे ना मेरी जो फ़िश है वो है, फ़िश टैंक का भी थोड़ा मैं ले लेती हूँ। ये लोग भी ना बहुत खुश होते हैं कि अगर आप ना इनके पास आके बैठो, मस्ती करो, तो देखो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो हम लोग फ्री होते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर पे जाके थोड़ा इनके साथ मस्ती भी कर लेते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में, थोड़े कपड़े वगैरह जो मैंने सुखाए थे वो रखूँगी, और कुछ कपड़े प्रेस भी करने हैं। तो बस यही सब चलता है, दिन भर का काम यही सब रहता है। तो यहाँ पे ना अभी मैं थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर रही थी, उसके बाद प्रेस लगाऊंगी, थोड़े बहुत कपड़े हैं वो प्रेस कर लूँगी। वैसे तो जो शॉर्ट वगैरह रहता है ना वो मैं धोबी के यहाँ भेज देती हूँ, लेकिन टी शर्ट वगैरह जीन्स जो रहता है वो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि वो करना बहुत ही आसान होता है, तो मैं धोबी के यहाँ नहीं भेजती। और शर्ट जो रहती है ना वो सब थोड़ा वो प्रॉब्लम होती है, वो मुझे नहीं जमता, तो वो मैं भेज देती हूँ धोबी के यहाँ थोड़ी देर के लिए। तो जो मैंने नाश्ते में बनाया था वो आप सबने देखा ही, और इसकी पूरी रेसिपी मैं अपने दूसरे वाले चैनल पे डालूंगी। हालांकि ये तो मेरा ब्लॉग है तो ब्लॉग में रेसिपी रहेगी, लेकिन इसकी अलग से रेसिपी मैं अपने दूसरे वाले चैनल में डालूंगी, जिसका नाम है श्वेता स्पेशल 2M। तो उस पर ज़्यादातर रेसिपीज रहती हैं, और मैं कभी कभी कहीं जाती थी तो ब्लॉग बनाती थी, उस पर डालती थी। फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग के लिए अलग बनाए, जिसमें कि मैं ब्लॉग और थोड़ा और सब चीज़ें शेयर करूँगी, और उस पर रखूँगी सिर्फ जो घरेलू नुस्खे होते हैं और कुकिंग से रिलेटेड जो रहता है वो मैं उस पर डालूँगी। तो होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियो को, ब्लॉग को। और फ्रेंड्स, जो था वो मैंने आप ने मतलब ब्लॉग में आप सबको दिखाया ही, लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, एक अंदर से मन बहुत उदास है, बहुत मतलब बहुत दुख की बात है। क्योंकि कल रात में ना 12:30 से 1:15 के बीच की बात है, मैं ना अपना व्हाट्सएप और इंस्टा चेक कर रही थी। हालांकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ बीच बीच में चेक करती हूँ। तो मैं चेक कर रही थी ना, तो उस पर मैंने एक पोस्ट देखी, और जिसको मैं जानती हूँ, बातचीत भी हुई है मेरी, और उसके बाद ना उसको अपने इंस्टा पे प्रिया ने अपलोड किया था। प्रिया यानी कि जो प्रिया रियल ब्लॉग करके चैनल है, प्रिया गोरखपुर की है, तो उसके इंस्टा पे वो पोस्ट थी। तो मैं देखी, मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई। फिर मैंने तुरंत उसको मैसेज किया कि ये क्या है, तुमने ऐसा पोस्ट क्यों डाला। तो उसका रिप्लाई आया कि दीदी ये सही है। तो जानते होंगे आप सब, शायद यूट्यूबर जो हैं उनको पता होगा कि एक टेक्निकल ऋषभ सागर करके चैनल था लड़के का, लड़के मतलब बहुत ही मेहनती लड़का था वो, और मेरी मतलब उसके साथ मेरी कोलैबोरेशन भी हुई है, व्हाट्सएप पे बात भी होती थी और कभी कभी कॉल पे भी बात हुई थी। तो ना उस मतलब पता नहीं क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई है, और ये रात को पता चला ना उसकी पोस्ट देखने के बाद, तो बहुत बहुत बुरा लगा। फिर मैंने प्रिया से कंफर्म किया, तो बोली कि दीदी ये सही बात है, क्योंकि उसके घर पे मैंने कॉल करके बात की है। तो कुछ पता नहीं चला उसको हुआ क्या था। फिर ना आज सुबह में मैंने कॉल किया, उसकी सिस्टर ने फ़ोन उठाया, तो हालांकि उसकी आवाज़ से तो लग रहा था ना वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी बच्ची है। तो मैंने उसको पूछा तो वो बोली कि पता नहीं तबीयत ख़राब हुई थी, बस उसके बाद ऐसा हो गया। हालांकि मैंने और किसी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे खुद को ही अंदर से बहुत बहुत बुरा लग रहा था। तो ये सुन के ना, ये देख के बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो ना बहुत ही कम एज का बच्चा था, और वो यूट्यूब पे ना मुझे लगता है 2-3 साल से था वो, और बहुत मेहनत करता था। उसका 2-3 चैनल है, टेक्निकल ऋषभ सागर करके है, और एक दो और भी चैनल थे, तो उस पर वो एक्टिव रहता था हमेशा, कुछ ना कुछ अपलोड करता रहता था, बहुत मेहनत करता था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसा, तो उसकी वजह से ना मन बहुत ज़्यादा अपसेट था। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, भगवान की जो मर्जी है वो तो होनी ही है, और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो बस ये था, इसकी वजह से थोड़ा सा मूड तो ख़राब था, लेकिन जो अपना रूटीन है वो तो शेयर करना ही करना है, तो इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू स्टार्ट की। और मैंने सोचा कि आप सबको भी मैं मतलब आप सबसे भी मैं ये बात करूं। तो
काफ़ी लोग जानते भी होंगे। और ठीक है, फिर अभी थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, क्योंकि नाश्ते में ना मैंने ये बनाया था तो बच्चों ने बोला काफ़ी हैवी हो गया है, तो वो दोपहर में कुछ नहीं खाएंगे। फिर शाम में ना चाय के साथ में वो लोग कुछ हल्का लाइट स्नैक्स वगैरह ले लेंगे। तो अभी मैं ना अपना जो इसके पहले वाला जो मतलब ब्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है उसे एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी। और फ्रेंड्स, आप सब मेरे वीडियोस को देखिए, अपना सपोर्ट दीजिए। तो चलिए, अभी तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा। मतलब रेस्ट क्या करूँगी, सारे ऐसे लेटे लेटे थोड़ा सा वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद जो रहेगा वो करूँगी। तो मिलूँगी शाम को, तब तक के लिए आप लोग भी अपना काम करिए, अपना ध्यान रखिए, इंजॉय करिए, लाइफ बहुत छोटी है। और बस यही कहना चाहूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। तो ठीक है, फिर शाम से जो कंटिन्यू करूँगी वो आप सबके साथ शेयर करूँगी, अगर पॉसिबल हो पाया तो। देखते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी मैं रेस्ट करके और अपना वीडियो वगैरह एडिट कर ली हूँ, एक वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया है और बाकी जो मैंने रिकॉर्ड की थी ना वो मैंने एडिट भी किया है। और दूसरे चैनल पे भी मैंने रेसिपी मतलब श्वेता स्पेशल वाले पे, उस पर मुझे रेसिपीज़ डालनी रहती हैं, तो उसको भी मैंने मतलब अभी अनलिस्ट ही रखा है, एडिट करके अपलोड कर दिया है। तो ये मेरा जो एडिटिंग का काम होता है वो तो मैं करती हूँ रेस्ट के टाइम पे, जब मैं आराम करती हूँ दोपहर में। तो मतलब मैं सोती कभी कभी हूँ, जब मुझे अच्छा फील नहीं होता या तबीयत सही नहीं रहती या बहुत ज़्यादा थकान रहती है तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं लेटे लेटे ही वीडियो एडिट करती हूँ। हालांकि मैं लैपटॉप से नहीं करती हूँ, अपने फ़ोन से ही करती हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है कि लैपटॉप है तो उससे एडिट करो। लेकिन ना लैपटॉप से एडिट करना तो आसान होता है अगर प्रैक्टिस हो जाए तो, लेकिन मोबाइल ऐसा है ना कि मोबाइल लेके आप लेटे लेटे भी एडिट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ना शॉर्टकट करती हूँ, तो इसके लिए वो सब मेरा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी एडिटिंग वगैरह लैपटॉप से करूँ। तो देखती हूँ मैं कब से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अक्सर होता है ना अगर आप कैमरे से शूट करो, लैपटॉप में डाल के एडिट करो, तो वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और एडिटिंग में भी ना जल्दी जल्दी मतलब एडिटिंग हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं होती। तो कोशिश करूँगी कि मतलब लैपटॉप से एडिट करूँ। तो बस अभी मैं क्या करूँगी, क्योंकि आज डिनर में बनने वाली है एक करी, जो कि मुझे नहीं बनाना है। शेफाली बनाएगी, वो अपने तरीके से बनाएगी, वो कोई रेसिपी देखी है। तो मैं तो सिर्फ रोटी और राइस बनाऊंगी, सैलड वगैरह काट दूंगी, और उसकी जो मतलब एक करी बनाएगी ना उसमें जो चॉपिंग वगैरह करना है वो सब मैं कर दूंगी। तो देखते हैं, अभी वो खुद से ही करती है या फिर मुझे, क्योंकि वो जब भी कुछ बनाती हो तो प्रॉपर प्रिपरेशन भी खुद ही करती है। तो आज तो मुझे बहुत ही शॉर्टकट काम है, रोटी राइस ही बनाना है। तो देखते हैं क्या है, जो भी रहेगा आपके साथ शेयर करूंगी। ब्लॉग को पूरा देखिएगा और कमेंट करिएगा। तो अभी देखते हैं क्या करना है, जो भी है आप सबके साथ शेयर करूंगी वीडियो में। कंटिन्यू बने रहे। तो तुम लोग क्या लेके आओ, एग लेके आए हो? दस नहीं पता है कितना है। कितना इतना पड़ेगा? अरे पैसा कैसे दिए बिना किए? अच्छे दिए। अरे ये क्या मजाक है गाइस, गिन लो। गाइस क्यों गिने? 1 2 3 4 5 6 कितना पैसा दे के आए? इसको पता ही हमारे। तुम लोग सामान लिए, पैसा दिए, कुछ भी पता नहीं इसको। गलती से ज्यादा आ गया है। हाँ तो फिर खा खा के सब लोग खत्म करना। ट्वेंटी का लेना चाहिए, 20 का बहुत कम था, ये लीजिए। हे भगवान, वो दही में इतनी करी बनेगी? इतनी दही बहुत ज्यादा है। इसकी इसमें तो इसकी हाफ यूज होगी, हाफ का कल कड़ी बना दी, ये लीजिए जबरदस्ती। तो बस ये लोग मार्केट से आए, सामान लेके आए, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए बोल रहे थे, बस ऐसे ही पैसा दे दिया, काउंट नहीं किया। और शाम का टाइम है तो अब मैं चाय रख दी हूँ बनने के लिए, और इधर ना शेफाली प्रिपरेशन भी कर रही है, क्योंकि एग करी वो बनाने वाली थी अपने स्टाइल में,
और यहाँ पे शौर है ना फिश टैंक के पास है, फिश के साथ मस्ती कर रहा है क्योंकि जो ऑक्सीजन पाइप लगी होती है ना बीच बीच में, इसको थोड़ा हिलाओ और ऐसे ऐसे घुमाओ ना, ये सब बहुत ही खुश होके बहुत ही ज़्यादा खेलने लगती हैं। और अभी तो शौर्या के डैडी भी आ चुके हैं, तो थोड़ी देर वो भी आने के बाद ना इनके साथ में यहाँ पे मतलब बैठ के थोड़ा देखते हैं इन सब की बदमाशी। और चाय बन रही थी और आज ना मुझे वो वाला जो चावल का पापड़ आता है ना वो खाने का मन था चाय के साथ में, तो चाय के साथ में ना मैंने ये भी तल दिया, तो बस वही था क्योंकि कभी कभी मन होता है ना कुछ ऐसा खाने का, तो ये वाला पापड़ था मेरा खाने का मन, मैंने चाय के साथ थोड़ा सा ये भी तल दिया। और आइए आप सब भी मेरे साथ में एंजॉय करिए पापड़ और चाय, अच्छा लगता है ना कभी कभी बहुत मन करता है तो। और यहाँ पे ना शेफाली अपने काम में लग चुकी है, एक को बॉयल कर लिया है अब उसे छील रही है और ये अपने हिसाब से बनाने वाली है। तो अच्छा था, मैंने रोटी और राइस मुझे बनाना था, मैं वो भी तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे बोल रही थी अरे मैं अकेली छील रही हूँ कोई मेरी हेल्प करो, तो बस यही था। अब मैं आ गई हूँ आटा गूंथने, तो यहाँ पे मैंने आटा लिया, उसमें थोड़ा सा डाला है नमक, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा ना कलौंजी डाला है और उसमें मैंने ना अदरक लहसुन हरी मिर्च धनिया बारीक चॉप करके डाली, 2 चम्मच दही डाला, उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा जैसे मिक्स किया और गूँथ लिया। तो इस तरीके से कभी रोटी बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, शेफाली को ये बहुत पसंद है, तो उसने बोला था कि मम्मी जब मैं एग करी बनाऊंगी ना तो आप ये वाली चपाती बनाना प्लस इसमें थोड़ा सा घी या बटर लगा देना। तो इस तरीके से ना बनी हुई रोटी मेरे घर पे सबको बहुत पसंद है, बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी, आप सब भी ट्राई करिएगा बहुत अच्छी लगती है। तो बस ऐसे ही ना मैं इसे बना रही हूँ और फटाफट रोटी बना लूँगी, और यहाँ पे ना शेफाली एक करी बना रही है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो ये आप देख सकते हैं ना एक करी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार है। और यहाँ पे ना रोटी पूरी मैंने सेक ली थी तो उस पर मैं थोड़ा थोड़ा सा घी लगा दूँगी, आप घी लगाइए चाहे बटर लगाइए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो नॉर्मल चपाती खाने का कभी मन ना करे ना तो ये भी आप बना सकते हैं, टेस्टी भी है हेल्दी भी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। किसी भी अलग तरीके की सब्जी बनाओ उसके साथ में ये बनाओ ना बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इसी तरह से ना मैं सारी रोटी में थोड़ा थोड़ा घी लगा लूँगी और यहाँ पे हमारा डिनर बिल्कुल तैयार है। एक करी है, यहाँ पे मैंने प्याज और नींबू काटा है, राइस है, चपाती है, तो हम लोग बस ऐसे ही बैठेंगे नीचे और डिनर करेंगे। ये देखिए एक करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो ये था आज का हमारा डिनर। आइए आप सब भी हमारे साथ एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और हाँ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जाने से पहले, बाय बाय, गुड नाइट।